नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग में आमने सामने आए फ्रांस और इजराइल। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने तबाही मचा रखी है और अब इस मामले में फ्रांस और इजराइल के संबंध भी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस की तरफ से इजराइल से युद्ध रोकने के लिए कहा गया है, दुनिया के देशों से भी कहा है कि वो इजराइल को हथियार देना बंद करे, जिस पर नेतन्याहू भड़क उठे हैं। और इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों ने उड़ाई सरकार की नींद, इस्लामाबाद और लाहौर सेना के हवाले। मिडिल ईस्ट की जंग से तालिबान को मिला मौका, विमान कंपनियों के सहारे कमाई में जुटा तालिबान। और चलते चलते बात पृथ्वी पर आने वाले संकट। अब विस्तार से बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एक साल से इसराइल मिडिल ईस्ट के एक के बाद एक देशों पर हमला कर रहा है। अमेरिका के मिले साथ से इसराइल का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। यहां तक सीरिया में रूसी नियंत्रण वाले इलाकों को भी इसराइल ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेबनान, यमन, इराक पर भी इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है। गजा को तो पहले ही इसराइल बर्बाद कर चुका है और अब वो युद्ध को कहां तक लेकर जाएगा, इसका एहसास दुनिया में किसी को नहीं है। फ्रांस की तरफ से जरूर इसराइल को चेतावनी दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 5 अक्टूबर को कहा था कि इसराइल को गजा में लड़ाई के लिए हथियार भेजने पर रोक लगानी चाहिए, फिर इसके बाद समस्या का हल निकालना चाहिए। फ्रांस का कहना है कि इसराइल को पश्चिमी देशों से जो मदद मिल रही है उसका नेतन्याहू गलत फायदा उठा रहे हैं। जो भी विवाद है उसे बातचीत से हल किया जा सकता है। फ्रांस शांति की बात कह रहा है तो नेतन्याहू फ्रांस पर ही भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सभी सभ्य देशों को हमारे पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रों और अन्य पश्चिमी नेता इसराइल को हथियार देने पर रोक की मांग कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और नेतन्याहू ने फ्रांस पर सिर्फ जुबानी हमला नहीं किया बल्कि हथियारों से भी हमला कर दिया। लेबनान में फ्रांस की कंपनी पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की जिससे फ्रांस का पारा चढ़ गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जीज गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार इस हमले के बाद स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने हमले से पहले चेतावनी दी थी। फ्रांस ने इसराइल को रोकने की कोशिश की लेकिन नेतन्याहू ने हमले के आदेश दे दिए। इसके बाद अब फ्रांस और इसराइल आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान को निशाना बनाने के बाद अब उत्तरी इलाके पर भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने देर रात त्रिपोली के बेदावी इलाके में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इमारत को निशाना बनाया। इजरायल का दावा है कि इस इमारत का इस्तेमाल हिजबुल्ला के लड़ाके कर रहे थे। इजरायल की बढ़ती आक्रात्मकता से यह साफ दिख रहा है कि यह लड़ाई जल्दी ही पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने वाली है। इस बीच नेतन्याहू ने ईरान पर भी हमले के संकेत दिए हैं। अमेरिका भी इस मामले में इसराइल को भड़का रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो नेतन्याहू से यहां तक कह दिया है कि ईरान की परमाणु साइट को पहले निशाना बनाए, इसके बाद कुछ और पर विचार करें। नेतन्याहू भी ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले का वो जवाब देगा। फिलहाल लेबनान और गजा पर इसराइल के हमले जारी हैं। गजा में रविवार को सुबह सुबह एक मस्जिद पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की जिसमें 18 से अधिक लोगों की जान जाने की खबर है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है, यानी अब इस युद्ध को एक साल पूरा होने वाला है। और उससे एक दिन पहले ही सेंट्रल गजा पट्टी के डेर अल बला में अल अक्सा अस्पताल के पास मौजूदा मस्जिद पर इसराइल ने हमला किया है। इस मस्जिद का इस्तेमाल शरणार्थियों को रखने के लिए किया जा रहा था, लेकिन इसराइल के हमले में कई बेकसूरों की जान चली गई। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं। इस्लामाबाद घेरने का प्लान है। पीटीआई के प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर को सेना के हवाले कर दिया गया है। इमरान समर्थक अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता 15-16 अक्टूबर को एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर है, जिसकी मेजबानी इस बार पाकिस्तान कर रहा है। एससीओ में शामिल देशों के प्रमुख इसमें शामिल होने इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के पीएम को भी न्योता दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी की जगह हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन इमरान समर्थकों के प्रदर्शन के चलते अब यह भी कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन को पाकिस्तान के किसी दूसरे प्रांत में आयोजित किया जा सकता है।
इस बीच पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गंडापुर के गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पार्टी ने एक व्हाट्सएप संदेश में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में केपी हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच अधिकारियों ने लाहौर को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया, जिसे पीटीआई समर्थक ऐतिहासिक मीनारे पाकिस्तान पर रैली करने के लिए नहीं पहुंच सके। पीएमएलएन सरकार ने पंजाब प्रांत, खासकर प्रदेश की राजधानी लाहौर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सेना को बुलाया है। सत्तारूढ़ शरीफ परिवार के निवास की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। मीनारे पाकिस्तान के आसपास कर्फ्यू जैसी स्थिति है, जिसे अनिश्चित काल के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। सरकार ने लाहौर के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं। सरकार का कहना है कि सशस्त्र बल कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और विदेशी प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब बात अफगानिस्तान की। कहते हैं कि किसी की आपदा किसी और के लिए अवसर बन जाती है, और कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए कहा जा सकता है। तालिबान सरकार आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग उसके लिए बड़ा अवसर लेकर आई। अवसर का मतलब ये नहीं है कि तालिबान लड़ाकों को काम मिल गया है, बल्कि तालिबान इससे नोट छाप रहा है। दरअसल इसराइल इस समय लिबनान पर जमकर एयर स्ट्राइक कर रहा है। ईरान पर भी वो हमले की चेतावनी दे रहा है, जिस कारण से तमाम एयरलाइंस कंपनियों को अपने विमानों का रूट बदलना पड़ा है। ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही है। इस हफ्ते ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरने वाली फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 191 तक पहुंच गई, और इसमें लगातार तेजी आती दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए हर फ्लाइट से $700 का चार्ज वसूल कर रही है। इसकी वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे तालिबान की काफी कमाई हो गई। अफगानिस्तान में कई सालों तक अमेरिकी सेना तैनात रही थी, लेकिन 2021 में तालिबान ने वापस कब्जा कर लिया, जिसके बाद विमान कंपनियां अफगानिस्तान के एयर स्पेस से फ्लाइट्स गुजारने से बचने लगी थी। लेकिन मिडिल ईस्ट में तेज होती जंग से विमान कंपनियां एक बार फिर अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने लगी हैं। इस साल अगस्त के दूसरे हफ्ते में अफगानिस्तान से गुजरने वाली फ्लाइट्स की संख्या पिछले साल इसी समय की तुलना में 7 गुना ज्यादा हो गई। ये जब ईरान ने कुछ दिनों पहले इसराइल पर मिसाइलें लॉन्च की तो आंकड़ा और बढ़ गया। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों से पता चलता है कि 19 से 30 सितंबर के बीच औसतन रोजाना 147 उड़ानें अफगानिस्तान एयर स्पेस से होकर गुजरी, जिनमें अफगानिस्तान से शुरू या खत्म होने वाली यात्राएं शामिल नहीं है। अक्टूबर में यह संख्या 200 के करीब पहुंच चुकी है। और चलते चलते बात अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान की। अंतरिक्ष में बड़ी आंधी उठने वाली है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी है, एक बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकराने वाला है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि सौर तूफान कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्रों और सामग्री का अचानक विस्फोट है, जो सूर्य के कारण सौर मंडल में विस्फोट होता है। हिंदुस्तानी वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विशेषज्ञों ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तानी उपग्रह ऑपरेटरों को सभी एहतियात बरतने के लिए कह दिया है। अगले कुछ दिन पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तूफान हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी खगोल भौतिकी संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि कुछ दिन पहले सौर तूफान उठा था। ये तूफान मई में उठे तूफान की तरह ही ताकतवर है। फिलहाल हम इंतजार करने की ही हालत में है, क्योंकि इसके पृथ्वी से टकराने में कुछ दिन लगते हैं। हम आज रात या कल रात कुछ करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे पता चल सके कि कुछ हो रहा है या नहीं। दरअसल इस तरह के सौर तूफान जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर असर डालते हैं। इसे भूचुंबकीय तूफान भी कहा जाता है। इसके चलते रेडियो ब्लैकआउट, बिजली की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन तूफानों से हमें डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल हमें इन तूफानों के असर से बचा लेता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।